अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डीए मैथ 212 और मैथ 233 चैप्टर नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है इफ वाई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, फाइंड वाई टू, बेस में लिखा हुआ। देखिए इसका मतलब होता है सेकेंड डेरीवेटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट डेरीवेटिव जो हम लेते हैं यहाँ पर, तो पहले तो आप लिखते हैं इसका कि नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपको पता है एक्स है ऑन बोथ साइड। और यहाँ पर अब आपने क्या करना है कि डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू, ये डी डिवाइड बाई डी एक्स आपका जो जाएगा यहाँ पे नेचुरल लॉग ऑफ एक्स को अंडरस्टैंड करना है आपने। सो ये हो जाएगा डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स और इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की 1 डिवाइड बाय एक्स आ जाएगा। और साथ ही आपने डेरिवेटिव लेना है इसके एंगल एक्स का या इसका जो फंक्शन कहलाएगा। और ये जो आपका dy ओवर dx है ये आपका y1 यानी फर्स्ट डेरिवेटिव कहलाएगा। ठीक है, ये साथ ही यहां पर इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है, या dy ओवर dx भी लिख सकते हैं। तो ये y1 बन गया, ये साथ ही यहां पे 1 ओवर x आ गया, इसका डेरिवेटिव 1 हो गया। और आपको पता है कि आपका जो y1 है जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो आपके पास 1 डिवाइड बाय x आ गया है। ये मैं आपको कहूं कि हम dy ओवर dx इसलिए लिख रहे हैं, मैं नेक्स्ट आपको बता दूंगा। ये x की पावर आपने करनी है यहाँ पे -1, क्यों करनी है? इसकी वजह ये है कि अगेन जब हमने डेरिवेटिव लेना है तो हमें पावर रूल चाहिए। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, अगेन डेरिवेटिव ले रहे हैं, इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है वो अभी भी आप देख सकते हैं कि x है ऑन बोथ साइड। सो d डिवाइड बाय dx इंटू आप देख सकते हैं कि डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, तो ये हमारे पास आ गया। और इक्वल टू यहाँ भी आपने डेरिवेटिव लेना है जिसमें आप देख सकते हैं कि पावर रूल अप्लाई होगा। सो ये हो जाएगा डी स्केयर वाई डिवाइड बाई डी एक्स का स्केयर, तो नेक्स्ट स्टेप में वाई टू कह देंगे, तो ये सेकेंड डेरीवेटिव है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पावर शुरू में आ गई, एक्स बेस लिखनी है आपने पावर एक कम करके, और विदाउट पावर आपने इसकी बेस एक्स का ही डेरीवेटिव लिया। तो ये हो गया आपका वाई टू सेकेंड डेरीवेटिव। और तो आप y डबल प्राइम भी लिख सकते हैं, मैं जैसे बता रहा था आपको, ये माइनस आ गया आपका x की पावर -2 होगी, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है ये नेगेटिव साइन है, आपको पता है कि जब फ्रैक्शनली ये नीचे जाएगी वैल्यू और पॉजिटिव हो जाएगी डिनोमिनेटर में। तो y2 इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर, ये हमारा इसका सेकेंड डेरीवेटिव आ रहा है। इसका आंसर देख लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है -1 डिवाइड बाई एक्स का। तो आई थिंक स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। आपके साथ भी मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।